हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी, डेली हिंदू अनालिसिस में आपका स्वागत है। सुबह सुबह वीडियोस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेसन ये आते हैं, और शाम को पीआईबी के वीडियोस आते हैं। कोई सा भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। 16 मई आज हो चुकी है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हो आप इन सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर चैट सेक्शन अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो तो वो आप पूछ सकते हो। सारे ही कोर्सेज इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और बहुत 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 हेल्पफुल ये कोर्सेज हैं। जितने लोगों ने ले रखे हैं उनके एक्सपीरियंसेस आप पूछ सकते हो, डालते रहते हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह के ऊपर। अब बात करते हैं आज एक मोटिवेशन की, और मोटिवेशन क्या, फाड़ मोटिवेशन है। ये है कामिरिता शेरपा, 23वीं बार ये एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं। क्या इंसान है, मतलब 23वीं बार चढ़ गए हैं। जो लोग नीचे रहते हैं ना कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वो अपने टेरेस पे नहीं जाते 23 बार, लेकिन ये एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, आप सोचिए। और ये 49 इयर्स के हैं, ये कोई यंग नहीं है इतने, 49 इयर्स के हैं और 23वीं बार ये चढ़े हैं। एक मूवी बनी थी एवरेस्ट के नाम से और हॉलीवुड में बनाई गई थी, और इतना उसमें दिखाया गया था कि कितना डेंजरस होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल कम हो जाती है। वहाँ एक टाइम से पहुँचना पड़ता है, दोपहर से पहले पहुँचना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, और एक दिन का ही ये होता है, ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते हैं। इतना डेंजरस ये क्लाइंबिंग होती है, और कुछ भी रिस्क हो सकती है वहाँ पर, कुछ भी जैसे जो स्लाइडिंग हो सकती है, जो भी बर्फ़ होती है वो वहाँ से खिसक सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतने खतरों के बावजूद और कैसे इंसान कर लेता है, तो ये एक चीज़ एक बर्निंग एग्जाम्पल है कि जो कुछ लोग इम्पॉसिबल मान लेते हैं ना कुछ चीज़ों को, वो नेगेटिविटी होती है जो उसको इम्पॉसिबल बना देती है। ये पागलपन चाहिए होता है बड़े काम करने के लिए। छोटे नॉर्मल कामों के लिए आपको इन सब कामों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको सच में बड़ा गोल चाहिए है, बड़ा फेम चाहिए और एक इंस्पिरेशन आपको बनना है किसी के लिए, तो थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इंसान के अंदर से ही सब कुछ आता है। आप कितना भी कुछ बड़ा बनते हैं ना, उतना सब कुछ आपके अंदर से ही निकलता है। ये सारी पावर आपके अंदर से निकलेगी, जितना भी आपका फेम है, जो आपका जलवा होगा ना, वो सारा आपके अंदर से ही आएगा। तो कुछ ना कुछ आपको स्टेक पे रखना ही पड़ेगा एक बार के लिए। तो इसमें जैसे इन्होंने अपनी लाइफ को इतनी बार रखा, 23 बार इन्होंने रखा है, कुछ भी खतरा वहाँ पर हो सकता है, लेकिन क्या चीज़ ड्राइव करती है, वो ये है कि वो उस तरफ नहीं सोचते हैं कि वहाँ पर इतने खतरे हैं और वहाँ पर तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, मतलब कैसे इतनी ठंड होती है, सांस कैसे लेंगे, इतना हार्श एनवायरमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, लाखों लोग जो हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितनी लाशें मिलती हैं एवरेस्ट के रस्ते के ऊपर जिनको वापस भी नहीं लाया जा पाता है। अगर इसके बारे में सोचते हैं तो वो कभी नहीं हिम्मत जुटा पाएंगे, और एक जस्ट इसके बारे में सोचेंगे, जस्ट उल्टा उसी टाइम में, उसी सेकंड में जब वो ये सोच रहे होते हैं, उस टाइम पर ये सोचेंगे कि मैं कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन सकता हूँ, ये मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड बना सकता हूँ और दुनिया मुझे याद रखेगी और सब लोग मेरी मिसालें देंगे कि हाँ उस इंसान ने ये करके दिखा दिया था। तो पहले तो करके दिखा देना ये बड़ी बात होती है, अपने आप ट्रेंड सेट हो जाता है। आप करके दिखाओ, कैसे भी करके दिखाओ, किसी भी तरीके से आप अगर सक्सेसफुल होते हो, मतलब गलत तरीका नहीं, मतलब मेहनत वाला तरीका, संघर्ष वाला तरीका, लेकिन किसी भी टाइम पे किसी भी कंडीशन में अगर आप होते हो तो आप ट्रेंड सेट करते हो, और ट्रेंड सेट अगर आप एक बार करते हो तो फिर आपकी कहानियां चल पड़ती हैं। और कोई इंसान ये नहीं बोलता कि इसने इस तरीके से नहीं किया, बस आपने कर लिया फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है, और वो पता नहीं कितने लोगों को वो इंस्पायर करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कई बार कि कई बहुत लेट एज में भी कई लोग बड़े अचीवमेंट करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो कई बार लास्ट चांस में लोग सेलेक्ट होते हैं, तो वो बड़े एग्जाम्पल्स बनते हैं और बहुत लोगों को हिम्मत देते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई, कि बस उस टाइम पर ये सोचना कि हाँ मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कैसे करना है, और ये इसमें क्या क्या नीड होगी बस, और हिम्मत की बात नहीं सोचते हो कि हिम्मत तो है वो तो कर लेंगे, हिम्मत को तो ऑटोमेटिक मोड पर डाल दो कि हिम्मत तो आएगी आएगी, हिम्मत में कोई कमी आएगी ही नहीं। और डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो आपके सोचने से ही आएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो चीज़ नहीं दिमाग में आएंगी। एक बार में इंसान दो चीज़ें नहीं सोच सकता है, तो पॉजिटिव ही सोचिए, ये एक अच्छा तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है कि नेगेटिव नहीं हो, डिप्रेस नहीं हो, तो आप एक ही चीज़ सोचिए, एक ही तरफ सोचिए। हाँ, कोई आपको ये बोल सकता है कि आप बेवकूफ़ हो रहे हो, पागलपन कर रहे हो, वो तब बोलेगा जब आप बार बार रिपीटेडली बिना सोचे समझे और कोई चीज़ पे चल पड़ो। एक बार ज़रूर सोचो, डीपली सोचो हर चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कल आपको बोला था, शुरुआत में सोचिए और उसके बाद पागल की तरह मतलब उस चीज़ को रिपीट करने लग जाइए, फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आइए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ये 23 बार चढ़ पाए हैं और इनका डर भी खत्म हो गया है, और बार बार वो चीज़ इनके लिए एक इवेंट बन गई है, इनके लिए एक जो बोलते हैं कि एक खेल बन गया है, और ये 23 बार चढ़ चुके हैं 49 साल की उम्र में भी। तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, जब इंसान एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो क्या नहीं हो सकता है 23 बार, एक बार भी नहीं। सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स देखिए, OECD ने जारी की थी, कल हमने इसके बारे में बात की थी, जिसका इंडिया ने काफ़ी विरोध किया है। इंडिया का स्मॉलेस्ट ऑर्किड जो है वो डिस्कवर हुआ आसाम में, ये बिल्कुल सही है, ये यूनिक और एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये जापान और आगे और जो ईस्टर्न ओरिएंटल कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये मिला है, और वहाँ पर ये काफ़ी फेमस एक फ्लावर होता है।
तो ये वहां पर भी मिलता है, तो एंडेमिक या यूनिक ये नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, तो ये गलत है, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूविका, ये इसरो का प्रोग्राम था जो पहले से उसने अनाउंस कर रखा था और उसने पहला बैच जो है वो टेकअप किया है अभी, जिसमें स्कूल के बच्चे हैं और वो वहां पर रहेंगे रेजिडेंशियल, एक तरह से उनका ट्रेनिंग जैसा होगा 15 दिन का, और सॉरी 15 दिन या फिर 1 महीना या फिर आप उसको कंफर्म कर लेना उसका टाइम, लेकिन ये है कि वो स्कूल के बच्चे होंगे और वो सीखेंगे सारी फैसिलिटीज़ में, उनको घुमाया जाएगा ताकि उनमें साइंस का एक फीवर डेवलप हो और वो आके उस चीज़ को काफ़ी स्प्रेड करें। साइंस की बहुत ज़रूरत है आज के दिन और बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। क्यों पूछेगा? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज का जो माहौल है, जो आज जो फालतू की बकवास फैलाई जा रही है पॉलिटिकल रीजन से, जो मतलब क्या डिस्टॉर्शन हो रहा है हर चीज़ का, रिचुअल्स का, एथिक्स का, रिलीजन का, हर चीज़ के नाम पर जो गंद फैलाई जा रही है, उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा और बच्चे उससे नहीं इन्फ्लुएंस हो, इसलिए ये एक काउंटर मूव है और ये बहुत बहुत ही ज़रूरी एक मूव है आज की सोसाइटी के अंदर, कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेंपर डेवलप किया जाए ताकि वो उनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव हो, वो कभी इस इन गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, क्योंकि एडल्ट्स जो हैं वो तो सब जानते हैं कि गेम है, पॉलिटिकल गेम है सारा का सारा, लेकिन जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते और उनका माइंड डिफ्लेक्ट होता है। तो ये इसरो का प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूविका 19। नोवाक जोकोविक, ये देखिए सर्बिया के हैं, ये स्पेन के नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेन का ओपन जीता है, मैड्रिड ओपन, और ये वहाँ अभी तक एक बार भी नहीं आ रहे हैं, और जो चैंपियनशिप वाला जो टूर्नामेंट है वो अभी तक एक भी नहीं आ रहे हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि वो स्पेन से नहीं आते हैं और मेंस का सिंगल टाइटल मैड्रिड ओपन में जीता है, तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला सही है। ओके सॉरी अगेन, फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, कल हमने बात की थी, यूके वो कंट्री बन गया है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को अपना लिया है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट इशू था कि जो वेलबिंग के रिगार्डिंग जो बजट लेके आया, कल हमने पीआईबी में जिसकी बात की थी, वो न्यूजीलैंड पहला कंट्री है जिसने वेलबिंग के हिसाब से बजट बनाया है, पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड पॉवर्टी, इन सब के बेसिस के ऊपर अपना बजट बनाया है, तो अच्छी इकॉनमी है, रॉक स्टार इकॉनमी बोलता है न्यूजीलैंड अपनी, और उसके बावजूद उसने इस चीज़ का फोकस किया है और अपनी बजट को उस तरीके से तैयार किया है कि जो भी छूट गए हैं उनको भी अब इंक्लूड करना है, सब एकदम रॉक स्टार फेज में जिंदगी जीनी चाहिए न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो उनका टारगेट है। और यहाँ पर यूके ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और यूके के बाद में किसने की है? आयरलैंड ने की है, उसको फॉलो करते हुए सेकंड नेशन आयरलैंड बन गया। अब ये वर्ड्स जो मुझे मिले हैं, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। चाइना ने ब्लॉक कर दिया विकिपीडिया। देखिए चाइना के ऊपर पहले से बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं कि ये आर्बिट्रेरी मैनर में रूल करता है और चीज़ों को बाहर नहीं आने देता है, बहुत कुछ ज्यादतियाँ यहाँ पे होती हैं, बहुत कुछ दिक्कतें हैं चाइना में, और एक तरह से टायरनस कुछ रूल है कुछ एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे बैन्स लगते हैं, जैसे रेडियो के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे बैन लगते हैं। वहाँ का जीपीएस भी अलग सिस्टम चलता है, बाइटू सिस्टम अलग चलता है, वहाँ पर गूगल नॉर्मल जो गूगल सॉरी जो जीपीएस है वो नहीं चलता है। ऐसे ही इन्होंने विकिपीडिया को और बैन कर दिया सारे लैंग्वेजेस के अंदर कुछ सालों पहले, 15 से ही क्या है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो साइट थी वो ब्लॉक थी चाइना की, और वहाँ पर क्या था कि ग्रेट फायरवॉल की, फायरवॉल क्या होता है आप सब पूछ सकते हैं, फायरवॉल ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को ब्लॉक करना, आपको कोई वायरस आ रहा है किसी वेबसाइट के अंदर, तो कुछ भी है, तो फायरवॉल जो है वो उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा कि ये ओपन होगा कि नहीं होगा, तो उसके कारण वो प्रिवेंट कर रहा था कोई भी एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर। अब इशू ये था कि एक प्रो डेमोक्रेसी का अगर कोई प्रोटेस्ट किसी को करने हो तो उसके तरीके आप नहीं ढूंढ सकते हो चाइना के अंदर, कोई अगर ये ढूंढना चाहे कि हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पीसफुली तो वो सब आप नहीं सर्च कर सकते हो चाइना के अंदर, ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और इसके रिगार्डिंग बहुत बार चाइना की पॉपुलेशन ने और बाहर के जो लोग वहाँ घूमने आते हैं उन्होंने भी ये चीज़ रिपोर्ट की है, और वैसे जो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं अमेरिका जैसी, वो तो उसको उछालती ही रहती है हमेशा। अभी ये मंथ जो है वो 100th एनिवर्सरी है किसका? फोर्थ मूवमेंट का, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में और ग्रो हुआ था, तो ये एक 100 साल उसका है। और जो चाइना को 49 के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया था, पीआरसी, ये जब ये बना था 1949 में बना था, उसके बाद में आज ये 70वां साल चल रहा है। देखिए किंगडाओ के अंदर जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था उसमें भी ये बात आई थी कि 70th एनिवर्सरी बना रहे हैं वो जो पीएलए की नेवी का, तो ये पीआरसी का एस्टैब्लिशमेंट का भी 70वां साल है, तो ये 49 में एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया के बाद में ये रिपब्लिक बना था। और वैसे इंडिया रिपब्लिक तो 1950 में बना था जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज़ादी पहले ही मिल गई थी, यहाँ पर एस्टैब्लिश 49 में चाइना हुआ था, तो लगभग 7 शुरुआत होती है, लेकिन आज चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है आप देख सकते हो। तो कुछ रीजन्स तो हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव भी हैं, तो जब प्रोग्रेस है वो शायद कुछ ऑपरेशन के चलते आई है, तो वो देखना होगा अभी। नेक्स्ट,
TRA unveils AI tool, artificial intelligence का tool इन्होंने unveil किया है, T Research Association ने. देखिए, पूछ सकते हैं आपसे टोकलाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में. ये 1911 में एस्टेब्लिश हुई थी और जो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में जो सॉरी उसकी जो ट्रिब्यूटरी है टोकलाई रिवर है और जोरहट आसाम में ये एस्टेब्लिश है. वहाँ पर बनाया गया था. जोरहट एक इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है और वहाँ पर ये एस्टेब्लिश है. और इसके अलावा 1900 में उससे पहले इंडियन टी एसोसिएशन भी बनाई गई थी जो कि सारे ट्रेडर्स हैं उनका एसोसिएशन है टी को जो बेचते हैं. और ये एक्सपेरिमेंटल स्टेशन 1911 में बनाया गया था. एक टी रिसर्च एसोसिएशन ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था टोकलाई के अंदर ही उसी कैंपस के अंदर. और ये आगे उसके रिसर्च को एक्सपेंड करता है फर्दर. तो उसका ये मेंशन है यहाँ पे आया है TRA का. तो TRA ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए, कि जो चुनते हैं टी की पत्तियाँ, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक पत्तियाँ चुननी होती हैं और स्पेसिफिक टाइम पर चुननी होती हैं और बहुत बहुत ही यूनिक उनका एक मैच होता है जो कि कहलाता है फाइन लीफ काउंट. और वो डिटरमाइन करता है कि कितना अच्छी वो चाय होगी और कितना अच्छा उसका बेस्ट निकलेगा. तो वो क्वालिटी एनहांस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अब इसमें रिपोर्ट हुआ है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनका बहुत एक्सप्लोइटेशन होता है, पैसा नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा 18-18 घंटे काम कराया जाता है. तो ये सब रिपोर्ट्स पहले आई थी कुछ साल पहले, अभी भी इशू चल रहा है. अब ये कह रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे इसमें, ताकि वो बैच जो सेलेक्ट होते हैं जो फाइन लीफ काउंट है उसके लिए इसका यूज़ होगा. तो इंपॉर्टेंट है. एक थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो मार्केटिंग के लिए किसका यूज़ किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. तो वो भी क्वेश्चन आया है. तो पूछ सकते हैं कि ये अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं और बिजार चीज़ें हैं, आपको नॉर्मल लॉजिक से समझ में नहीं आएगा कैसा कैसे. अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं मार्क कर पाओगे. तो ये चीज़ याद रखना, ये बड़ी यूनिक चीज़ें हैं कॉफ़ी और टी दोनों के अंदर, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है इसमें फाइन लीफ काउंट के लिए और इसके अंदर मार्केटिंग के लिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था. एक एग नेक्स्ट नाम से कंपनी है जो कि IIT गुवाहाटी जो है उसका एक सपोर्ट है, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है और उसके साथ इसने TRA ने एक कोलैबोरेशन किया है और वो इसको आगे प्रोपगेट करेंगे, आगे इसका रिसर्च वगैरह के अंदर हेल्प लेंगे और जो इसका चूजिंग है वो उसमें हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, एक US का ऑर्डर निकला है कि इराक में जो एम्बेसी जो 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी बगदाद के अंदर, बगदाद उसकी कैपिटल है, ओपन हुआ था उसके अंदर से, और जो स्टाफ है उसको छोड़ना पड़ेगा. ये कह रहे हैं कि ईरान का जो खतरा है इंटेलिजेंस का, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और ईरानियन एक्टिविटी जो है वो उसकी फैसिलिटीज़ को और उसके पर्सनल्स को रिस्क में डाल सकती है, कोई अटैक वगैरह हो सकता है. अब बात यह है कि ये अटैक होना बहुत ही एक रेयर इंसिडेंट होगा, ऐसा होता नहीं है. और US के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट पर कोई अटैक करते ईरान तो ये कितना पॉसिबल है ये तो अमेरिका ही जानता है या ईरान जानता है. लेकिन इमेज मेकिंग जो है वो फुल पीक पे चल रही है और जैसा लग रहा हर दिन उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं ईरान के अगेंस्ट में, और उसके जो बॉम्बर्स हैं और जो उसका जो शिप वगैरह है वो भी सारे वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं पर्शियन गल्फ के अंदर. तो इसका मतलब कभी भी अटैक किया जा सकता है. तो हो सकता है कि ये सब कुछ ईरान को बदनाम करने की सारे टेक्टिक्स हों और ये लगातार चल रही हैं और हर दिन इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही है. तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनको खतरा हो सकता है, तो वो एम्बेसी से निकाला जाएगा. लेकिन वहाँ पर जो इराक के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और ईरान का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और न कोई खतरा है. लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ऐसा हम मानते हैं, इसलिए जॉन बोल्टन का ये स्टेटमेंट आया था कि कोई भी अटैक जो है ईरानियन मिलिट्री या फिर कोई प्रॉक्सी जो है वो US के जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं उन पर कर सकते हैं. नेक्स्ट, अलाबामा US का स्टेट है, उसने एक बहुत टफेस्ट अबॉर्शन बिल पास कर दिया है कि देखिए कोई भी अगर प्रेगनेंसी हो, चाहे वो रेप हो, इंसेस्ट का केस हो, कुछ भी केस हो, उन सब के अंदर, और वो टफेस्ट अबॉर्शन का बिल लेके आए हैं कि अबॉर्शन हो ही नहीं सकता है. और ये बड़ी अजीब बात है इतने प्रोग्रेसिव कंट्री के अंदर और इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये बड़ा प्रोटेस्ट को इनवाइट भी करता है और एक बड़ी डिबेट भी खड़ा करता है. इंडिया में भी डिबेट चलती है, हर जगह डिबेट चलती है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, अबॉर्शन लॉज हैं, ये सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं बहुत ही ज़्यादा कि कैसे करें, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है. लेकिन बात यह है कि अब इंसान इतना प्रोग्रेस कर चुका है, साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये एक अनफॉर्चुनेट इशू भी है क्योंकि प्रेगनेंसी कोई छोटी बात नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ लॉन्ग, कि बच्चा पैदा करना ही कोई बड़ी बात नहीं, उसको संभालना, बड़ा करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ा इशू है. इसलिए हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता है. लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जैसे रेप हो जाता है, कोई इंसेस्ट के केस है, कोई और ऐसे केस है जिसके अंदर कोई धोखेबाजी की गई है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रेगनेंसी होती है, तो फिर ये केस लेजिटिमेट बन जाता है कि वो लड़की या फिर जो है जो भी वो एडल्ट है या फिर वो माइनर है उसको ये राइट होता है. लेकिन अलाबामा ये एक तरह से पूरा ब्लैंकेट एक बैन लगा रहा है कि अबॉर्शन होगा ही नहीं. अब ये सारे कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत सारा डिबेट चल चुका है. लेकिन अब ट्रंप का राज चल रहा है, ऐसे में ऐसे लोगों का ओपिनियन ज़्यादा मैटर कर रहा है कि जो कि ऐसी
कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इलीगल फोटोकॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज थेफ्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बिरला कॉरपोरेशन के केस का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, उसको अगर फोटोकॉपी करता है इलीगल तरीके से, तो वो एक थेफ्ट के रूप में माना जाएगा, आप उसके रिगार्डिंग केस कर सकते हो। और सेक्शन 378 जो है वो थेफ्ट के रिगार्डिंग होता है आईपीसी के अंदर, 1860 जो आईपीसी है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि ये माना जाएगा कि ये थेफ्ट होगा। नेक्स्ट, 29 साल के बाद में विग्रह नाम का जो एक इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है, आईएनएस जो कोस्ट गार्ड शिप है विग्रह, उसको डीकमीशन कर जाएगा 29 साल के बाद में। 1990 के अंदर ये कमीशन हुआ था, और ये कोस्ट गार्ड जो है ये एक अलग से एक सर्विस होती है, इंडियन नेवी से अलग होती है ये कोस्ट गार्ड जो होते हैं, और उनके ये शिप्स हैं जिसको ICGS बोलते हैं, कोस्ट गार्ड शिप, INS नहीं बोलते हैं, ICGS है, तो ये डीकमीशन कर दिया गया, नाम आपसे पूछ सकते हैं इसका। नेक्स्ट, यूपी विलेज में एक बहुत ही शॉकिंग केस आया है। देखिए, केस ये है कि जो कुत्ते वगैरह जो घूमते हैं आवारा, एक तो वैसे ही हमारा इसके ऊपर इस बहुत बड़ा मिनाज है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। आप यूपी के गांव की छोड़िए, मैं आपको यहां की लोकल इंसिडेंट बताता हूं, कैपिटल रीजन का, दिल्ली के रीजन का। यहां आप जिस गली में जाएंगे दिल्ली के अंदर, आपको कुत्ते ही कुत्ते मिलेंगे, और ये बड़ी शेमफुल बात है कि वो ओपन है, न उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट है, और पता नहीं उनका कोई वैक्सीनेशन करता भी एक नहीं करता है, और जो रूटीन चेकअप वगैरह होते हैं वो होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि होते हैं कहीं पर, और वो बहुत बार अटैक करते लोगों के ऊपर, तो ये बड़ी शेमफुल स्थिति है, और इसके अंदर कोई इसका ध्यान नहीं देता है। इतना शॉकिंग इंसिडेंट देखिए क्या हुआ है, एक गांव के अंदर एक बच्ची थी जो अपने पापा को जो है खेत के अंदर रोटी देने जा रही थी, और वहां पर वो जो कुत्ते हैं उसने उस पर अटैक किया, 7 साल की बच्ची थी, और उसकी बॉडी को सारा तहस नहस कर दिया, खा गए उसकी बॉडी को पूरा। अब ये इशू कह रहे हैं गांव वाले लोग, कह रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली पहले जो है जो जानवर वगैरह होते थे उनकी लाशें जो गांव के बाहर फेंकी जाती थी, तो वो मीट उनको मिल जाता था और उसको खा लेते थे। अभी जो ये बैन लगा है, खासकर जो जो गाय के रिगार्डिंग जो आया है सामने, इतना खतरनाक वाला जो एक सोशल बम्बार्डमेंट हो गया है, उसके चलते कोई भी जानवर को मारा नहीं जा रहा है, और कोई भी जानवर जो है उसकी जो न तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके कैरकस का, और जो कैरकस जो है वो वहीं पर सड़ता रहता था बाहर ही, जो भी मरते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ कुत्ते पहले उसको खा लेते थे, उनका पेट भर जाता था, और तो उससे क्या उनको उसकी लत भी लग जाती थी ओपन मीट की, अब वो अवेलेबल भी नहीं है और वो आदत भी उनको लग चुकी है, तो अब वो अटैक कर रहे हैं और बड़े अग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ही अग्रेसिव, और लोग बहुत डरते हैं, बच्चों को बाहर भेजने से बिल्कुल डर रहे हैं, पहले से डर कायम था लेकिन अब उस बच्ची को और मार दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि किस तरह का मतलब सोचिए ये मैनेजमेंट है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है लोग ले सकते हैं, लेकिन ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, और खासकर जो स्ट्रे डॉग्स हैं और इस तरह के जो एनिमल्स हैं जो कि विसिनिटी में रहते हैं, और वो कोई वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होते हैं, कुत्ते वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होते हैं इतना, और वहाँ पर वो नॉर्मल जो हैबिटेशन होता है उसके साथ ही घूमते हैं वो, लेकिन अगर ऐसा कहीं पर भी इंसिडेंट आता है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सीवियर एक्शन उनको लेना चाहिए, और म्यूनसिपैलिटी बॉडीज के लिए बहुत बड़ा एक इशू होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्ची को अगर कुत्ते खा जाते हैं उससे बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट क्या होगा, फिर हम किस बात की जो हैबिटेशन रख रहे हैं, क्या क्या मतलब अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, और ये तो पहली जिम्मेदारी बनती है उनकी, और वो इतने अग्रेसिव हो गए हैं और वो पागल घूम रहे हैं, तो फिर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बड़ा शॉकिंग है कि 4 दिन हो गए उसकी डेथ को, कोई भी ऑफिशियल जो है विजिट करने नहीं आया, ना कोई एक्शन इसमें लिया गया है। तो ये पिसावा विलेज था, मथुरा के अंदर है, वेस्टर्न यूपी का विलेज है, और वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है शॉकिंगली। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, पॉलिटिकल है नहीं काम का है ये वाला डिस्कस करेंगे, इंडिया का जो खासकर इंडियन ओशन के अंदर जो उसका एक्टिवनेस है और जो इंडियन नेवी का जो एक्टिवनेस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग, और उन्होंने मेंशन किया है जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सिक्योरिटी इशू है, मॉब फ्रीडम इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट और उसके जो जो केस हुआ भी हुआ था जो 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 ममता बनर्जी का जो एक मॉब इमेज बना दिया गया था जो पेस्ट किया फेसबुक के ऊपर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया, एक जो प्रियंका शर्मा थी बीजेपी यूथ विंग की जो लीडर थी उनको अरेस्ट किया गया उसके रिगार्डिंग इशू है, इसको हम क्लब करेंगे इस इशू के साथ में। जहां पर जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात की है, मार्कंडे काटजू जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनके साथ में आदित्य, इन दोनों ने जो एक आर्टिकल लिखा है इन दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं। जीएस पेपर 2 के लिए ये क्रूशियल होंगे और 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट ये होगा। ये वाला ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग है, चुनाव होने वाला 18 मई को और वहाँ पर टर्मोइल चल रहा है काफ़ी, हर देश में चल रहा है, वही है कि हर जगह एक ही एलिगेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, कुछ अपने लोगों को जो है इम्प्लांट करती है, और हर जगह जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, पोस्ट ट्रूथ का एज है। लेकिन क्लाइमेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि क्लाइमेट का इन्होंने बड़ा इशू उठाया है, जैसे न्यूजीलैंड ने अभी जो इंक्लूसिवनेस का एक बजट बनाया तो बड़ा फेमस हुआ है,
क्लाइमेट इमरजेंसी को भी डिक्लेयर करने में यूके और आयरलैंड सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया एक पहले से ऐसा कंट्री है जो काफी आगे रहता है इस मामले के अंदर, तो वो भी एक बड़ा इशू यहाँ के इलेक्शंस के अंदर है। तो ये उसके रिगार्डिंग है, कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा तो वो सामने आएगा, वो हम देखेंगे। बाकी सारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है आज के पेपर में। तो अब देखते हैं मॉव्ड फ्रीडम्स। देखिए युवा मोर्चा के जो लीडर थे उन्होंने जो ये इमेज पेस्ट की थी, देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो सर्कुलेट होती हैं, लेकिन इनका जो एक अरेस्ट हुआ और उसके बाद में अपोलॉजी, पहले तो अरेस्ट हुआ और जो अथॉरिटीज जो थी पुलिस अथॉरिटीज उन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज नहीं दिखाई, पॉजिटिवली हैंडल नहीं किया। दूसरी बात, कोर्ट ने डिटेन किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डे ही बोल दिया कि ये चीज़ गलत थी और रिलीज करने के लिए बोला, लेकिन साथ में अपोलॉजी के लिए बोल दिया, वो एक दिक्कत वाली बात हो गई। अब कल इसमें जो एक एंगल ये आया था, अब आज दूसरा एंगल है, कल एक एंगल ये आया था कि अगर वो किसी दूसरे को अगर वो दिक्कत होती है जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, ममता बनर्जी को उसमें दिक्कत हुई, इसलिए उन्होंने ये बोला कि ये मेरे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, इसलिए ये अपोलॉजी बनती है। अब अपोलॉजी और एक सजा देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपोलॉजी जो होती है वो एक नॉर्मल सॉरी बोलना होगा कि भैया आपने किसी का मजाक उड़ाया है तो आप सॉरी बोल दीजिए, अगर क्योंकि उनको बुरा लगा इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं तो वैसे उसमें दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसमें फोर्स करना अपोलॉजी के लिए, ये भी दिक्कत वाली बात बताई जा रही है। ये कह रहे हैं कि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नॉर्मल एक एग्जांपल है इसके अंदर और ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक फिगर जो है उनके रिगार्डिंग लोग करते हैं ऐसा। लेकिन अब खुद ममता बनर्जी ने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर दी और उसमें दिक्कत जताई, इसलिए कोर्ट भी उसको ऐसे का नहीं जाने दे सकता था। लेकिन बात यह कि उन्होंने क्यों जताई दिक्कत, अब जब इतने सारे लीडर्स के रिगार्डिंग सबके रिगार्डिंग होता है, लेकिन ये तो बहुत बर्निंग इशू ये है भी। वैसे आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों के अंदर, आजकल जो आप देखे होंगे एक जो एनिमेटेड जो कार्टून्स चलते हैं जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जो कुछ शॉर्ट फिल्म्स जो आती हैं, मतलब 10-15-20 सेकंड की जो चलती है, उसमें काफ़ी मजाक बनाया जाता है और एक बहुत एक स्पेसिफिक तरीके से वो बनाई जाती हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी को बड़ा इसमें शानदार दिखाया जाता है और कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ के लीडर्स को काफ़ी मॉक इसमें किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और ये ओपनली होता है। आपने देखा होगा जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं आज तक वगैरह उनके ऊपर आता रहता है और उसमें बड़ा ही ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, उसको भी कोई एलिगेशन किसी ने नहीं लगाया, उसको भी किसी ने प्रॉब्लमेटिक नहीं बताया और यहाँ पर ममता बनर्जी ने इतने बड़े इशू को ये प्रॉब्लमेटिक बताया, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। लेकिन हाँ ये चीज़ भी है कि वो चीज़ भी बहुत गलत है। आप इमेज मेकिंग कर रहे हो किसी की, आप इंटेंशनली किसी का ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो किसी का और किसी को बहुत वो दिखा रहे हो, तो लोग क्या है उसको कॉमेडी में लेते हैं, लेकिन वो चीज़ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी करती है वोटर्स को, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठना चाहिए था, वो चीज़ मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये एक एग्जांपल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है और रियल एग्जांपल है, तो उसमें ऐसा होता है, ओपनली ऐसा किया जाता है जो कि गलत है, एथिकली बिल्कुल गलत है। वैसे ही हमारे जर्नलिज्म जो है वो एकदम घटिया लेवल पर चल रही है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये इशू एक एथिक्स का भी है, ये इशू एक एक्सप्रेशन का भी है, ये इशू एक एक सोसाइटी में बैलेंस का भी है और इलेक्शन से रिलेटेड भी है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसका लेवल क्या होना चाहिए ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। लेकिन अब इसमें बात लास्ट में ये निकल के आती है कि अभी तक जो प्रोविजंस हैं और जो भी कुछ अभी तक जो जैसे वर्डिक्ट्स पास में आए हैं उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो गलत था। अब इसमें जो तृणमूल कांग्रेस ने जो एक इंटॉलरेंस दिखाया है वो चीज़ ओपन है और ऐसा नहीं करना चाहिए था ममता बनर्जी को, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने इसके रिगार्डिंग और दिक्कत जताई और अपोलॉजी के लिए बोला, तो ये अपोलॉजी उनको देनी पड़ी। और उसके बाद में एक इशू ये था, टेक्निकल इशू इसमें ये था कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन और ऑफेंसेस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आते हैं और जो 66A है जो 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग केस दर्ज किया गया था। और 67A है दूसरा जिसमें तभी कोई मतलब ऑफेंस हो सकता है अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो वो सर्कुलेट हुआ हो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, तो तभी इसमें अरेस्ट वगैरह हो सकता है। तो 66A और 67A ये दोनों ही अलग सिचुएशन है और 66A तो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि मतलब कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं लग सकता। जैसे कुछ फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, कोई अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको। अब जब पास्ट में ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट खुद दे चुका है तो फिर इसमें कैसे अपोलॉजी की मांग की जा सकती है, ये एक दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पर ममता बनर्जी को ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था कि आप इतना इसको ऑफेंस मत लीजिए, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि ये इशू ये है, ये एस्केलेट हुआ हुआ इशू है जिसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में इतनी ज़्यादा ठनी हुई है, इतना ज़्यादा मतलब ये अग्रेशन हो रहा है कि चीज़ें ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और बहुत कुछ हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आई है कल इतना वो इन्होंने एलिगेशन लगाया, काउंटर एलिगेशन भी लगाया है, उधर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने इतना अटैक किया, उधर वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ने सारा कुछ हंगामा किया है हमें बदनाम करने के लिए, तो जो कुछ चल रहा है वो हम नहीं समझ सकते हैं। अब ये ट्रूथ क्या है वो तो अलग इशू है,
लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ सालों में जो एक अग्रेशन और ये जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा नहीं होता था और कम से कम 15-20 साल से ये चीज़ सुधर गई थी। इतना ज़्यादा मतलब ये जो वॉयलेंस है वो हम नहीं देख रहे थे सोसाइटी के अंदर, खासकर इलेक्शन के टाइम में, लेकिन अभी ये इतना अग्रेसिव माहौल हो गया है ये बहुत ही गलत है। और ऐसे टाइम पर ये थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए था ममता बनर्जी को, थोड़ा सा इतना एंगर जो है, लेकिन वो फुल स्केल पे लगी हुई है। और दिक्कत ये भी है कि जो पुलिसमैन है अब वो 66A के अंडर केसेस भी दर्ज कर रहे हैं, ये दिक्कत वाली बात है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी इसको कर रहे हैं, ये दिक्कत है। तो इसमें अपडेशन नहीं है और जो पुलिस का जो काम है वो सही नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड ही नहीं है इस इशू के लिए जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, उसके अंदर केस दर्ज कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें किया गया, ये दिक्कत वाली बात थी। नेक्स्ट, ये जो इशू है इसके अंदर बात ये बोली गई है कि ज्यूडिशियल रिस्ट्रेंट की जरूरत है। आज के दिन इसमें सारा इस आर्टिकल का ये है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें साइट की हैं जो वेस्टर्न जो लीगल इशूज़ हैं, जो इल्यूमिनारीज हैं, उनकी बातें इन्होंने की हैं, उन कुछ फिलोसफीज को इन्होंने बताया है। तो ये बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ये सारा गारंटी किया गया है, और अभी जो इनका जो अरेस्ट हुआ वो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही पहले डिसीजन दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है दो तरीके से डील करता है, एक तो है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस है जिसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा बढ़ जाता है, कि मतलब सोसाइटी की ज़्यादा सोचने लग जाता है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा वर्डिक्ट देने लग जाता है और काफ़ी एक्टिव उसके रिगार्डिंग है, और जहाँ पर सुओ मोटो केसेस भी बहुत सारे ले रहा है, सुओ मोटो मतलब खुद से ले रहा है, कोई पेटिशन जारी करता है, वो PIA लगाता है तो भी वो बहुत सारे केसेस जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, और उसमें जहाँ पर सोसाइटी को काफ़ी डायरेक्शन देने के रिगार्डिंग नेचुरल लॉ बेस्ड जो इश्यूज़ होते हैं उसको ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसके अंदर ज़्यादा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं। तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है ज्यूरिसप्रूडेंस का। और एक दूसरा है वो है जिसके अंदर पॉजिटिविस्ट ज्यूरिसप्रूडेंस है, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसमें क्या इशू है, पॉजिटिविस्ट का मतलब ये है कि जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की वो उसके स्टैट्यूटरी लॉज जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो उसका काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है और जो लॉज बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देता है और उसमें बैलेंस देखता है केसेस के अंदर। लेकिन देखिए इसमें इस आर्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट को, जो पहले वाला था उसी की तरह ही। ये चीज़ है कि 100% हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ इशू ये है इंडिया के अंदर कि सोशल इश्यूज प्रॉब्लमेटिक हैं और वहाँ पर कोई और इंस्टीट्यूशन उसके अंदर एक्टिवली नहीं बोल पा रहा है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मेजोरिटी के वोट लेने के हिसाब से हर चीज़ का एक पैमाना रख देते हैं, उसके हिसाब से वो हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पास्ट में जिसने जैसे उसने डिसीजन दिए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव भी गए हैं, लेकिन अभी ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइन क्रॉस हो रही है कि हर इशू के अंदर इस तरह से ये एंगल आ रहा है, ये दिक्कत वाली बात हो गई है। लेकिन अब इसको ये इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सिचुएशन ही ऐसी हो रही है आज के दिन, और ज़्यादा ये चीज़ ऐसी हो रही है कि ऐसे डिसीजंस का मतलब देना ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्टिव इसमें है अभी। जैसे इन्होंने एक तो ये केस बताया, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा लाइन क्रॉस किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी अरेस्ट हुआ प्रियंका शर्मा वाला जो केस हुआ है, जो ममता बनर्जी वाला जो केस था इसके अंदर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पहले देखे गए हैं केसेस जिनका एग्जांपल अगर हम पहले लें तो जो NJAC वाला केस था जिसके अंदर जो पॉलिटिकल जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उनके हामी भरी हुई थी कि भाई NJAC होना चाहिए लुक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। अब ये हम समझते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का है, ये रियलिटी है इंडिया के अंदर कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, और पहले भी कमिटेड जुडिशियरी की कोशिश की गई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब कमिटेड जुडिशियरी का फिनोमेना पॉपुलर हुआ था और ये चीज़ सामने आई थी कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए इस तरह से वर्डिक्ट्स दे रहे थे, तो ये चीज़ ओपनली एलिगेशन इसका हुआ था। तो इसलिए भी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इस सिचुएशन को देखते हुए NJAC को कैंसिल किया, क्योंकि जो इसकी जो बॉडी बनाई गई थी उसके अंदर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ सकता था, उसमें नंबर जो थे वो ज़्यादा थे और उनके हिसाब से ही फिर वो लोग चूज होते, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देता तो वो उसमें वीटो कर देते उनका जो मेजोरिटी हो रही थी उसमें, इसलिए फिर भी वो दिक्कत थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। लेकिन अब ये चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ लिमिट में जाता है चीज़, कि फिर इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर जो चाहता है वही चीज़ सही ठहरा रहा है, लेकिन अब इसमें लॉजिक है उसको देखना पड़ेगा कि बैलेंस किस तरफ जाता है। सिचुएशन एक तरफ पॉलिटिशियंस की है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की है, लाइन दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये इस बेसिस के ऊपर है
कि क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, ये इस बेसिस पर नहीं कि इंडिया की सोसाइटी में क्या दिक्कत है और इंडिया के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये उसके पैमाने पर देख के नहीं ये आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल आया है कि स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये कि ना तो सुप्रीम कोर्ट को इतना एक्टिव होना चाहिए, और जो लॉ के कवरेज में जो एरियाज आते हैं, जहाँ पर उनको लॉ बनाना है, जो एरियाज, चाहे वो सोशल इश्यूज हों, चाहे वो कोई और मतलब क्रूशियल बातें हों जो नेशनल सिक्योरिटी के हों, चाहे वो कोई और इश्यूज हों, वहाँ पर पार्लियामेंट को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और वो उसके वर्क एरिया में आता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि अब पार्लियामेंट जो वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार डिस्टर्बेंस होते हैं। जो भी ओपोजिशन में आता है वो बस प्रोटेस्ट ही करता रहता है, कोई काम नहीं करने देता है, और किस तरह से जो काम हो रहा है वो भी देखने लायक है। तो कितना वर्किंग है और इसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आधार बिल की बात करें, अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि आधार बिल को कैसे उन्होंने मनी बिल बना के पेश कर दिया, जो कि किसी पैमाने के ऊपर और मनी बिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इशू ही थोड़ा अलग था। उसके अंदर सिर्फ एक वन ऑफ द प्रोविजन था कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा उठा रहा था, इसलिए उसको मनी बिल बना के पेश कर दिया गया, राज्यसभा उसके रिगार्डिंग कोई भी स्क्रूटनी नहीं कर पाया, ना ही उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस ऐड कर पाया उसके अंदर, ना ही कुछ हटा पाया उससे, क्योंकि उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई उसमें जब वो मनी बिल बन गया। तो इसलिए भी ऐसे केसेस के अंदर भी ये चीज लेजिटिमेट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। तो इसलिए पार्लियामेंट का जो वर्किंग है वो भी दिक्कत वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड वाइज, उसको भी अपना अपना वर्क एरिया में काम करना चाहिए। उसका काम जो है वो जुडिशरी का है, जुरिसप्रूडेंस का है, और कहीं एक्सेस में कोई चीज़ होती है तो ही वो उसके रिगार्डिंग डिसीजन देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में और नेचुरल लॉ के बेसिस के ऊपर अगर वो डिसीजन देने लग जाए, तो फिर ये चीज़ हो जाती है ओवर जुडिशियल एक्टिवनेस की, ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म की, जो कि हम देख रहे हैं अब इसके रिगार्डिंग लगातार 2-3 सालों से, और क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1998 में जो थर्ड जजेस केस हुआ था और सेकंड जजेस केस 1993 में हुआ था, उसके बाद में जो कलेजियम सिस्टम जो आया था वो भी प्रॉब्लमेटिक बात है, और आज कलेजियम सिस्टम जो है जिसके अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट डिसाइड होता है, जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कलेजियम सिस्टम भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जजेस के पास ही आ गई है, और वो जो चाहते हैं वैसे ही फिर जजेस अपॉइंट होते हैं। तो उसके अंदर ये एलिगेशन भी है कि वो कुछ लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, और कुछ लिमिटेड एक फैमिलीज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा और प्रिवेलेंट हैं, तो इसलिए भी कलेजियम सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है वो सब कुछ ही सही है, इसलिए एक इशू आता है कि वो कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर रहा है और ओवरस्टेपिंग कर रहा है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा उसको देखना होगा, और ये ओवरस्टेपिंग ना हो, यहाँ पर थोड़ा बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। ये चीज़ प्रैक्टिकली सही है कि पार्लियामेंट पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करती है, नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टीज जो ईमानदार नहीं है, इसलिए उसका इंटरफेरेंस हो जाता है लेजिटिमेट, लेकिन वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ये एक दिक्कत वाली बात है। और इन सारे केसेस के अंदर ये साफ साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रहा है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, वो स्टैट्यूटरी लॉ तक लिमिटेड ना रख के अपने आप को, जो कि और कौन सा स्कूल है उसका, पॉजिटिविस्ट स्कूल है, जिसमें स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर अंदर उसको काम करना, उसके ऊपर ना रह के, और वो अग्रेसिव मैनर में इस स्कूल की तरफ बढ़ रहा है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, जिसमें नेचुरल जस्टिस के नाम पर काम होता है कि भाई लॉ तो नहीं है लेकिन नेचुरली क्या होना चाहिए, वो क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देता है, तो वो चीज दिक्कत वाली बात है। अब इसमें कुछ साइट किए हैं वेस्टर्न जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जैसे उन्होंने पास्ट में एक चीज ये बोली है कि कोर्ट जो है वो कोई भी चीज को है ना लॉ बना के एक तरह से डिसीजन दे रहा है, जो लॉ नहीं है लेकिन उसको लॉ क्रिएट कर रहा है, और वो अब ऑन सब्जेक्टिव नोशंस के ऊपर है, कि मतलब जो उसको सही लग रहा है, जो उसको सब्जेक्टिव तरीके से उसकी स्क्रूटनी में सही बैठ रहा है, वो उसके रिगार्डिंग जारी कर रहा है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो होगी ओवर स्टेपिंग की बात में, लेकिन पास्ट में क्या सही डिसीजंस आए, जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी, अब विशाखा गाइडलाइंस का आना बहुत जरूरी था, बहुत क्रूशियल था वुमेन की सेफ्टी के लिए वर्क प्लेस के ऊपर, और जो भवानी देवी केस हुआ था राजस्थान के अंदर, जिसका गैंगरेप किया गया था क्योंकि उसने बाल विवाह के रिगार्डिंग आवाज उठाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आगे आकर और ये गाइडलाइंस जारी की थी, और ये बहुत जरूरी चीज थी, तो ये करना बहुत सही था उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का। तो ये अगर बात की जाए नेचुरल लॉ के बेसिस के ऊपर जो उन्होंने ये एक्टिविज्म दिखाया, ये बहुत जरूरी था सोसाइटी के लिए, बहुत ही जरूरी था। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है कि सुप्रीम कोर्ट को नेचुरल लॉ के बेसिस पर डिसीजन देने चाहिए, और अकेला पॉजिटिव विस्ट के अंदर अपने आप को लिमिटेड करना ये सही नहीं है, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक केस ऐसा है कि यहाँ पर जरूरत है, और बाय स्टैंडर्ड अगर चला जाए तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी ये भी अब सोशल ज्यूरिसप्रूडेंस में ही आता है, तो अब इसको कैसे समझा जाए, तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। लेकिन ये राइटर इस आर्टिकल में पूरा पूरा उस ग्लोबल स्केल के ऊपर, स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं कि इतना एक्टिविज्म सही नहीं है,
और इन द एंड ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लीगल सिस्टम जो कि स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर ही रहनी चाहिए, ये एक इसमें सजेशन है कि ये एक्सेस में जा रहा है, इसको इतना ही रहने देना चाहिए। और जजेस शुड बी रिस्ट्रेन एंड नॉट एक्टिविस्ट इन देयर अप्रोच, तो वो जजेस ज्यादा बन के रहे, एक्टिविस्ट कम रहे। दूसरा, इस लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि सोशल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड नेचुरल लॉ हैव द सेम प्रॉब्लम। कैल्सन आर्ग्यूड दैट विद नेचुरल लॉ वन कैन प्रूव एवरीथिंग एंड नथिंग, कि मतलब जो नेचुरल लॉ का जो बेसिस है उसके ऊपर या तो ये होता है कि सब हर चीज उसके अंदर ले ली जाती है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग नेचुरल लॉ के बेसिस पे डिसीजन दिया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो कोई एक्सपर्टीज नहीं होता है और वहां पर वो एक्टिविस्ट की तरह ज्यादा काम करते हैं जजेस, तो वो नहीं होना चाहिए, वो काम पार्लियामेंट को ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इसलिए भी ये एलिगेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो पूरी तरह से 100% इस आर्टिकल से और अग्री करना वो अपने कॉन्शियंस की बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बेंथम है, जो वेस्टर्न एक ल्यूमिनरी है, लीगल ल्यूमिनरी, वो ये कह रहे हैं कि नेचुरल लॉ जो है वो एक मेटाफिजिकल नॉनसेंस है, कि मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं दे सकता है, इसलिए ये डोमेन नहीं है जुडिशरी का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बात इसी के रिगार्डिंग ये बोली गई है, ठीक है। अब रेयर सर्कमस्टांसिस में ये काम होना चाहिए, जैसे स्ट्राइकिंग डाउन 377 है, ये बहुत लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं। अब ये बहुत कुछ इसको सही भी माना जाता है कि जैसे होमोसेक्सुअल्स हैं और जो उनका जो केस है, ऐसे एडल्ट्री का जो केस है, उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिए हैं, वहां पर उसका जो एक्टिवनेस था वो एक बोल्ड स्टैंड लेता है, तो वो एक जरूरी भी माना जा सकता है और वो सोसाइटी को एक रास्ता दिखाने के लिए भी बात हो सकती है। लेकिन इसके अंदर भी वही डिलेमा फंस जाता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमारी संस्कृति के हिसाब से हम होमोसेक्सुअल्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो लोग फिर ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो है लाइन क्रॉस कर रहा है, जो उसका ज्यूरिसप्रूडेंस का जो इशू है, जो स्टैट्यूटरी लॉ डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करे। लेकिन बात यह कि होमोसेक्सुअलिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली की ही नहीं गई है, तो अब करेगा कौन, वो काम इंटरप्रिटेशन का सुप्रीम कोर्ट का है, तो वहां पर उसको एक्टिविस्ट बनना भी पड़ेगा, तो ये भी एक इशू है बहुत बड़ा इसमें। तो इन दी एंड यही इनका सजेशन है कि सोशियोलॉजिकल जो स्कूल है वो पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं करे, लेकिन उसके ऊपर नहीं टिकाए अपने आप को, और लिमिटेड अपना जितना हो सके उतना पॉजिटिविस्ट स्कूल के ऊपर रखे, जितना उसका जुडिशरी का ज्यूरिसप्रूडेंस का जो एरिया है उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर ही वो मेनली उसके ऊपर ही काम करे उसी वर्क एरिया में, और इसमें काम जो है वो सजेशन दे सकता है और लेजिस्लेचर इसके ऊपर ज़्यादा काम करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन, तो ये इशू है। नहीं तो क्या होगा कि फिर हर चीज़ में वो सुप्रीम कोर्ट आम हो जाएगा, और पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता था तो वो ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको हाईलाइट मिलता था, लेकिन अभी जो अब काफ़ी कॉमन हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी एक उसका एक जो इंपॉर्टेंट इशू है, जो एक एंगल है जो इसमें नहीं दिया हुआ आर्टिकल में, मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी आम हो जाता है और फिर क्या हुआ, हर कोई उसके स्क्रूटनाइज करने लग जाता है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये एक एलीट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो एक बहुत हाई लेवल का एक जो लास्ट रिजॉर्ट है वो उसका मेंटेन रहना चाहिए वो डेकोरम, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा हमने रिवील किया है टैक्टिकली प्रोएक्टिव जो स्टैंड है, और खासकर चाइना को हम काउंटर कर रहे हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा काफ़ी बढ़ रहा है जो नेवी के एरिया में कोऑपरेशन, वो अच्छे एक अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि नीट भी खड़ी होती है, क्योंकि चाइना ने जो सारा इस यहाँ पर एक्टिवनेस दिखाई है, और जिबौती में जैसे उसने मिलिट्री आउटपोस्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया था और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था, लेकिन जो नॉन पीसफुल जो यूजेस हैं, जो नॉन पीसफुल जो उसके बेसिस हैं लॉजिस्टिक्स के, वो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए भी एक बड़ा नीड बन जाता है कि यहाँ पर इसको काउंटर किया जाए। तो इंडिया जो इस टाइम पर कर रहा है, जो एक्सरसाइज जो रिसेंटली इसने की है, जैसे बहुत सारी की हैं अभी इसने साउथ चाइना सी में, वहाँ पर जो हमने कल क्वेश्चंस में देखा था वहाँ पर 3-4 डिप्लॉयमेंट हुए हैं, वरुण एक्सरसाइज जो फ्रांस के साथ कर रहा है, यूएस के साथ में जो डीगो गार्सिया है, जो इंडिया से जस्ट नीचे साउथ में चलते हैं इंडियन ओशन में, तो डीगो गार्सिया आइलैंड आते हैं, वहाँ पर उसका बेस है यूएस का, तो वहाँ पर साथ में एक्सरसाइज की है और ग्रुप सेल की है, उसके अंदर जापान, फिलीपींस और यूएस साथ में थे हमारे, और किंगडाओ के अंदर, सॉरी जो फ्री ट्रिब्यू से जब जो चाइना में हुआ था उससे जब लौट रहा था किंगडाओ से, तब ग्रुप सेल में उन्होंने भाग लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चाइना के अगेंस्ट, एक तरह से अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन उसको काउंटर करती हैं उसका जो मूव है। तो ये जो नेवल ऑपरेशंस है ये हमारे लिए आज के दिन नीडेड है, कोई और रास्ता बचता नहीं हमारे पास में, क्योंकि जैसे चाइना इंडिया को सर्कल कर रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर स्पेशली, और साउथ चाइना के अंदर जो उसका काफ़ी ओपरेसिव एक मूव चल रहा है, वियतनाम उसका अपोज कर रहा है और जो जापान के साथ में इशूज़ हैं, तो वहाँ पर उसको काफ़ी काउंटर करना ज़रूरी है। तो ये कोई रास्ता बच नहीं जाता हमारे पास में ये करने के अलावा, तो ये हमने किया है। और जो INS कोलकाता और जो इस बार
जो शक्ति जो है आईएनएस शक्ति, ये दो भेजे गए हैं इन सारे ईस्ट पार्ट में जो डिप्लॉयमेंट हुए हैं उसमें, और इधर जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर वगैरह ये वरुण एक्साइज वगैरह में आ रहे हैं। तो ये सब हमारे पॉजिटिव एक प्रोएक्टिव स्टैंड है जो हम अपना रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जरूरी हो गया है कि ये पोटेंट एक्टर इंडिया बने इस स्टेज के ऊपर, और ये चीज़ बहुत नीडेड है। तो ये सही है, इसने इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जो काउंटर पायरेसी मिशन है उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, जो सोमालिया के इस कोस्ट के ऊपर है, जो अफ्रीका सारा है और जो उसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो एरिया है, यहाँ जो सोमालिया है यहाँ पर बहुत सारी पायरेसी होती है जी, अरेबियन सी है यहाँ पर और ये इंडिया है इधर और ये अफ्रीका है, तो यहाँ बहुत कुछ मतलब लूट मचाई जाती है जो इधर पायरेट्स आते हैं सोमालिया के कोस्ट से। तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा रिलीफ हमने दिया है इस सारे एरिया को, और उधर से बहुत सारा ट्रेड होता है, तो ये बहुत बड़ा खतरा था। ऐसे ही मोजाम्बिक जो यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर जो इस कोस्ट के ऊपर हमने जो साइक्लोन निदाई के टाइम पर हेल्प भेजी है वो बड़ी नोटेबल है। उसके अलावा जो सबमरीन को जो एक्सपैंड कर रहा है चाइना, जो स्टेल्थ मतलब जो उसके छुपे हुए जो सारे जो स्पाई है, जो सबमरीन्स हैं और जो भी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, जो अभी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि वो काफ़ी चोरी से और स्मार्ट तरीके से और अंडर वाटर जो सारी उसकी एक्टिविटीज चल रही हैं उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया के एम्बिशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं। लेकिन एक बात यह है कि अभी ये लग रहा है कि जो वुहान समिट हुआ था उसके बाद में इंडिया के साथ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ी है इंडिया चाइना की, और वो थोड़ा सा एक्टिवनेस कम दिखा रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, लेकिन साउथ चाइना से भी वो बराबर एक्टिव है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं, ये नहीं मानना चाहिए कि चाइना यहाँ पर एक्टिव नहीं रहा है और इन इन कंट्रीज के साथ में वो लगातार एक्टिव है, लेकिन उसकी स्टेल्थ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो छुपी हुई एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हिडन चल रही हैं और सबमरीन के साथ में जो चल रही हैं वो बड़ी बड़ी हुई हैं पिछले टाइमों में। तो ये बढ़ने से हमें थोड़ा सा खतरा बढ़ता है, और ये भी चीज़ बढ़ती है कि इनको भी काउंटर करना ज़रूरी है। तो चाइना दिख नहीं रहा है ओपनली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है उस एरिया में, इसलिए भी। और ये जो प्रोएक्टिव स्टैंड हमारा है ये बिल्कुल सही है इस टाइम पर जो किया जा रहा है, और ये जो सारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये उसका सबूत है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो जो क्वाइट टेक्नोलॉजीज PLAN की है, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का जो ये चाइना वाली जो नेवी है उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा केपेबल हो गया है, और जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज जो है उसने काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूव कर ली है, तो उसका एक्टिवनेस एक्चुअली बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, और जो न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है वो ये कह रहे हैं कि हमें और प्रोएक्टिव होना है एक्चुअली इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हम ज़्यादा उस तरफ चले जाते हैं कि मतलब हमें पीसफुल यूज़ करना चाहिए और जो रेटोरिकल जो बातें होती हैं आइडियल उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया रेटोरिकल स्टैंड, अब हम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, ये अच्छी बात है। और पिछले कुछ सालों में इस एरिया में काफ़ी अच्छा, हमें इसको मतलब शाबाशी देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पर हमारा एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ा है। और लेकिन इसके अंदर एक एंगल ये जरूर बसता है कि अमेरिका के साथ जो हमारा क्लोजनेस है वो थोड़ा बढ़ गया है, इधर ट्रेड में इश्यूज चल रहे हैं, इधर ये स्ट्रेटेजिक रूप से हम क्लोज आ रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के फेवर में ज़्यादा है, इंडिया के फेवर में कम है। चाइना को काउंटर करना उसका ज़्यादा बड़ा एम है अमेरिका का, इसलिए वो इंडिया को एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ये तो नहीं बोल सकते वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि हम यूज़ करने जैसे छोटे कंट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड यहाँ पर होना चाहिए कि हम ज़्यादा यूजफुल नहीं बन जाएं अमेरिका के लिए, और ज़्यादा हम अपने रिलेशन नहीं ख़राब करें चाइना के साथ में, ये भी हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है, क्योंकि इतना अग्रेसिवनेस अभी नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। और वुहान समिट के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिविटीज आई है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो हमने नहीं किया है मतलब अप्रिशिएट उसके कारण भी, और चाइना का थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड हुआ है थोड़ा सा, तो उसको हमें थोड़ा सा कल्टीवेट करना भी चाहिए, और इंडिया चाइना के साथ रिलेशन हमारा ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया चाइना में ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो इंडिया अमेरिका के बजाय, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हमारे लिए होंगे। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट, अब एक थोड़ा सा न्यूज़ आई है जो एक ऐसे का है या फिर मेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, कि मतलब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहे हैं, ये एक मतलब एक एलिगेशन है चाइना और अमेरिका का जो राइवलरी बढ़ी है उसके ऊपर, ये कहने कि ये ईस्टर्न कंट्री है, पहली बार अमेरिका को ऐसा राइवल मिला है जो ईस्टर्न कंट्री है और वो इतना उसको काउंटर कर रहा है, तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। रेस की भी बात है, ये मंगोलियन रेस है और वो कॉकेशियन रेस बोली जाती है जो अमेरिकन हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो जी जिनपिंग ने बोला कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कॉकेशियन नहीं मिला उनको राइवल यही का मतलब एशियन मिला, अभी तक यूरोपियन कंट्रीज थे मेनली राइवल और अमेरिका खुद था, अभी इनको पहली बार ऐसा मिला है, तो ये एक वैसे प्राउड बात भी एशिया के लिए। लेकिन इसमें ये है कि ये नेगेटिविटी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है इस मामले के अंदर, क्योंकि टैरिफ वॉर्स बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर ये जो फिनोमेना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन,
ये फिर और स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। और जहाँ पर रेशियल डोमिनेंस की बात ज़्यादा होती है कि भाई वाइट्स जो लोग हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो ये लोग मानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, लेकिन अब वो अगर उसको एग्रेसिवली काउंटर किया जाएगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, ये एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है, बात की है जो मुंबई के स्टेडियम में देखिए किसी का भी वो नहीं दिख रहा है, शेडो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जीरो शेडो टाइम है। ये कौन सा टाइम है कि जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर रहा है इक्वेटर से, तो 21 जून के आसपास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम वर्टिकल होगा, तो यहाँ पर एकदम जीरो शेडो जोन होगा, मतलब एकदम सिर पे अगर सन आ गया तो छाया नहीं बनती है नीचे, वो पैरों की तरफ चली जाती है नीचे, जैसे आप देखते हो सबके पैरों के पास में शेडो है थोड़ा सा और बहुत छोटा है। तो ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है और ये इसी मई जून के टाइम पे होता है। मुंबई जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, पेनिनसुलर इंडिया में है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर अभी इसका मतलब सन का वर्टिकल रेज पड़ रही है तो ये छाया नहीं बन रही है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं जीरो शेडो रीजन क्या होता है, तो ये होता है। और ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट तो ऐसे अर्थ का होता है क्योंकि सन के चारों तरफ वो घूमती है, ऑर्बिट करती है उसको, तो इसलिए ऐसा पोजीशन यहाँ पर ऐसा आता है कि सन की वर्टिकल रेज कुछ एरियाज में पड़ती है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होगा। 21 जून तक ये इधर आएगा, फिर ये वापस इधर जाने लग जाएगा, तो ऐसा होता है, तो ये हो रहा है। नेक्स्ट, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, टीनेजर ने अपनी लाइफ ले ली है, इंस्टाग्राम पोल किया उसने, उसमें ये पूछा कि मुझे मरना चाहिए जीना चाहिए, उसके बाद अपनी लाइफ उसने ले ली है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है पूरी दुनिया के लिए कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। हर चीज़ अच्छी नहीं है, हर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, यहाँ पर देखिए उसका मिसयूज़ कैसे होता है और क्या जो थिंकिंग डिप्रेशन जो है वो किस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। यहाँ पर उसने लोगों से पूछा और लोगों ने उसको ये भी बोला कि आप लाइफ लेनी भी चाहिए आपको, तो ये भी कितना एक बकवास बात है कि मतलब लोग अपना नेगेटिव ओपिनियन भी इतना ओपनली शेयर कर देते हैं और किसी को ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि अपनी लाइफ एंड कर दीजिए। 69% लोगों ने ये बोला कि अपनी लाइफ एंड कर दो। इसका मतलब जो उसके यूजर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि बहुत ही इमेच्योर लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और वो अधिकतर वही लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो टिकटॉक है, ये सब जो इश्यूज़ हैं जिन पर ये मतलब ये जो नाचते रहते हैं ये अजीब तरीके से, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये एथिकल भी नहीं है और ये एक बड़ा इशू मेजोरिटी का है कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। एक बहुत बड़ा डिबेट और एक ऐसे लिखा जा सकता है इस इशू के ऊपर, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर लिख सकते हो टाइम मिलेगा जब, कि जो एथिकल यूज़ है और जो मेच्योर यूज़ है सोशल मीडिया का वो कैसे पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहा है और यहाँ पर जब उसको डेथ के लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं इससे ज़्यादा हॉरिबल कुछ नहीं हो सकता है। और ये बहुत इंसिडेंट पहले भी आ चुके हैं कि मतलब लाइव अपनी सुसाइड को वो कर रहे थे और वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे इसका फीडबैक कैसे मिलेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन लोगों में फियर क्रिएट होता है और कुछ लोगों में इसका सजेशन क्रिएट होता है और दोनों ही चीज़ बड़ी नेगेटिव है। तो ये एक मेच्योर यूज इसका होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट मिल सकता है, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ये आपको ये क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरह से लिखते हो। वर्ल्ड कप आ रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आप इनको लिख सकते हो। यंगेस्ट सीनियर प्लेयर कौन है, सबसे ज़्यादा किसने जीता है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको दे रहा हूँ इनके आंसर्स आप ढूंढना और एडिशनल डेटा को जरूर से सर्च करना, PIB का लेसन जरूर से अटेंड करना, क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस वहाँ पे कर रहे हैं डेली। थैंक्स अ लॉट, कीप वाचिंग टू समझ।